तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन हो। मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड, जैसे कि बात करें आपसे, कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। जैसे कि बात करें, बहुत सारे लोग मुझे इस टाइम पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कि सर मुझे बताइए, मैं जब अप्लाई फॉर स्पॉट पर क्लिक करने जा रहा हूँ तो उसके बाद सर्वर एरर बोल दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आखिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? तो और फ्रेंड्स, जिन सभी का भी एडमिटेड स्टेटस नहीं दिखा रहा, उन सभी का आपका अगर आपने जो अप्लाई किया था एडमिशन के लिए अपने मनपसंद कोर्सेज में, यूजी पीजी में, तो आप सभी का जो एडमिशन का स्टेटस है, कब आपका एडमिशन का स्टेटस एडमिटेड होगा, पता कब आपका एडमिशन का स्टेटस कंफर्म हो जाएगा कॉलेज की तरफ से। तो इस आई को जानने के लिए आपको आज का वीडियो सोचना जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो भाई सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट, सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, आपको यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करने से पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा अभी भी सर मेरा कॉलेज कन्फर्म नहीं हुआ है, सर क्या हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? तो उनको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि फ्रेंड्स बात करें, आपको पता है कि नोटिस आई थी, नोटिस में पर मैंने पहले वीडियो बना दिया है और इस नोटिस को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलो मैं एक बार आप सभी के लिए इस नोटिस को दोबारा नोट कर लेता हूँ और आप सभी को कन्फर्म बताता हूँ कि आप सभी का जो एडमिशन एडमिटेड का मैसेज वो कब आपको आएगा। तो यहाँ पर नोटिस में पढ़ने को मिल जा रही है कि अभी जो बैंक स्ट्राइक पर है, तो देख पा रहे हो आपको यहाँ पर 22 तक का डेट दिया गया है, 22 तक डेट एक्सटेंड कर दिया है और वैलिडेशन को सीट करने का टाइम कॉलेज को दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज आपके सीट को वैलिडेट करेंगे, ठीक है? कब तक करेंगे? 23 मार्च तक कर देना है, ठीक है? तो कॉलेज वैलिडेट कर देंगे, ठीक है? मतलब को 23 मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। हो तो मान लीजिए अगर 22 तक आपका अगर कंफर्म हो गया एडमिशन का स्टेटस, तो उसके लिए आपको ईमेल पर मैसेज आएगा एडमिशन कंफर्म का कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था ऑलरेडी कि आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, ठीक है, कि वो कॉलेज की तरफ से मैसेज आ जाएगा। नहीं तो आप स्टेटस चेक कर सकते हो अपने एडमिशन पोर्टल पर जाकर के, फिर मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो हमारा शुरू से कब जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि वेट करें आप, आपका लास्ट 23 तक तो आपका एडमिशन स्टेटस कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आप वेट करो, आपको भी 22 तारीख नहीं आई है, 22 तारीख तक आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्पॉट राउंड पर बची हुई सीरीज जितनी बची हैं थर्ड स्पॉट राउंड पर उसका एडमिशन फिर शुरू हो जाएगा 26 से लेके 28 तक, 28 तक एडमिशन फिनिश हो जाएगा। तो फिर से बैंक स्ट्राइक पर है, इसलिए भी आप सभी का जो भी चेक कर पा, आप सबका एडमिशन स्टेटस एडमिटेड नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें, आप सभी जो पूछ रहे थे कि सर मेरा अभी तक स्टेटस एडमिटेड क्यों नहीं दिखाया, आप सभी का स्टेटस इसीलिए अभी एडमिटेड नहीं दिखा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी ये बैंक स्ट्राइक पर है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। और गाइस डोंट बी वरी, ठीक है, आप कुछ देर बस वेट कर लो, 23 तक लास्ट डेट है, आपका 20 या 22 तक आपके एडमिशन का स्टेटस आपका एडमिटेड दिखाएगा। अब चलो बात करते हैं, आपको सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। चलो आपका ये मान लो आपने लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के बाद आप जैसे अप्लाई फॉर स्पॉट पर क्लिक करते हो, तो माय डियर फ्रेंड जैसे आपने अप्लाई फॉर स्पॉट पर क्लिक किया उसके बाद देख पा रहे हो आपके पास अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। स्पेस पे ऐसे आप क्लिक करोगे जो ग्रीन ग्रीन है, तो उसके बाद आपको सर्वर एरर इन एप्लीकेशन का मैसेज आ रहा है। तो किनको किनको दिक्कत परेशानी को सामना करना पड़ा है वो अभी हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि सर मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इस तरह से देख पर आपको सर्वर एरर का मैसेज आ रहा है। ये गाइस क्या मैसेज है? तो ये आपको सर्वर डाउन चल रहा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अभी इस पोर्टल के आगे जो खुलता था ऑप्शन कॉलेज चूज करने का, उसको अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि गाइस पता है आपको, अभी मैंने आपको स्टूडियो को शुरू में बताया कि डेट एक्सटेंड हो गया, मतलब आप सभी को जो सेकंड फेज का जो चल रहा है, सेकंड लास्ट अभी जो स्पॉटर का एडमिशन चल रहा है उसकी डेट बढ़ा दी गई है, जो कि आपको 23 तक कॉलेज वेरीफाई कर देगा, ठीक है, मतलब आपको 22 तक अप्लाई कर सकते हो, 22 तक डेट बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई है, तो इसीलिए आपका पेज यहाँ पे भी नहीं खुल रहा है। अभी बात करिए पेज कब खुलेगा, तो आपको पता है होनी चाहिए कि अभी जो स्पॉटर चल रहा है इस पर एडमिशन ले सकते हो, आपके पास 22 तक मौका है। उसके लिए आपको सुबह मॉर्निंग में, सुबह में 9:30 बजे से 4:30 बजे तक पोर्टल खुलेगा, चाहे उस पर क्लिक करोगे, जैसे पोर्टल खुलेगा आपको क्लिक करके अप्लाई फॉर स्पॉट पर क्लिक करके अपना मनपसंद कॉलेज चूज कर लीजिए जिसमें सीट बचा है और मनपसंद कोर्सेज को अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनका नहीं हो रहा है प्रॉब्लम वो एक बार कल सुबह, ठीक है, ट्राई करें 9:30 बजे के बाद, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कॉन्टेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, नहीं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट से कमेंट करें।
अभी फ्रेंड्स बात करें, बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे आपने बहुत सारे लोग वैसे लोग जो कि अप्लाई फॉर स्पॉट तो एडमिशन के लिए क्लिक कर दिए, मतलब बहुत सारे लोग एडमिशन भी ले लिए, फी पेमेंट भी अपना कर दिए पूरे एक साल का, और अब जैसे ही है आपको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट अगला स्टेप करना है, जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर लिखा था यू आर नॉट एडमिटेड, किंतु क्योंकि प्रॉब्लम अभी भी फेस करनी पड़ रही है, वो हमारे वीडियो की कमेंट से कमेंट करिए। अब बात करिए आपको यहाँ पे यू आर नॉट एडमिटेड क्यों लिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करने जा रहे हो इसलिए लिखा रहा है क्योंकि अभी आपका जो एडमिशन कॉलेज की तरफ से वो वेरीफाई नहीं हुआ है। अब कॉलेज, अब आपका सारा काम हो गया, अब आपको बस कॉलेज क्या करेगा, आपका वेरीफाई करेगा एडमिशन स्टेटस, तब आपको यहाँ पर आपका दिखाएगा एडमिटेड, तब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी फ्रेंड्स बात करिए, आप मुझे आप अपना स्टेटस एडमिशन का स्टेटस चेक करते रहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर देख पा रहे हो चेक एडमिशन स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, जहाँ पर देख रहे हो 20G आपको 20T और 20U से छोड़ के ये जो आपको मिला यूज़र नेम, उसके बाद का जो भी नंबर है वो डाल दीजिए, यहाँ पे सर्च ऑप्शन पर क्लिक करिए, तब आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, तब आपके यहाँ पर पूरा एडमिशन का स्टेटस दिखाएगा कि आपका एडमिटेड हुआ है नहीं, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, नॉट वैलिड इनवैलिड दिखा रहा है, मतलब आपका भी जो एडमिशन स्टेटस है वो कन्फर्म नहीं हुआ है। जैसे कन्फर्म होगा आपको कॉलेज की तरफ से मेल आ जाएगा, तो मेल भी चेक करते रहे और आपको मैसेज भी आ जाएगा आपके अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। जैसे आपका ये एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट करना होगा। अभी बात करें आप कल जो स्पॉट के लिए फिर से अप्लाई करने जा रहे हो, उसके लिए अपना आप सीट एक बार चेक कर लो आपके कोर्सेज में सीट्स में बचा है नहीं सीट्स, अगर सीट्स बचा है तब अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बात करें आपको, मान लो जो मुझे सपोर्ट एडमिशन लेना है, मान लीजिए आपको BCA में एडमिशन लेना है, तो मान लीजिए आप अपना सजेशन में एडमिशन लेना है, उसका यहाँ से पहले खाली सीट चेक कर लो ये कितना सीट बचा, जितना सीट बचा है जिस कॉलेज में, क्योंकि आपको इस स्पॉट में सिर्फ एक ही कॉलेज चूज़ कर पाओगे। तो देख पर यहाँ पे आपको एन कॉलेज में तो सीट फुल हो चुकी है, एडमिशन ले नहीं सकते हो, अब जैसे आप सिर्फ ले सकते हो। अगर आपको पटना रीजन की मैं बात करूँ तो सिर्फ एडमिशन ले सकते हो पटना रीजन में, आपको देख पा रहे हो सिर्फ एक बचा है TPS कॉलेज, और वुमेंस के लिए गंगा देवी महिला कॉलेज में भी सीट बची हुई है, JT वुमेंस कॉलेज में भी, और देख पा रहे हो और यहाँ पे जगत नारायण लाल कॉलेज में भी सीट अभी बची हुई है, और देख पा रहे हो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा TPS कॉलेज में भी सीट बची हुई है, तो आप चाहते हो TPS कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इस तरह से अपना मनपसंद का कोर्स कर का अपना सीट अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए कि कितने कॉलेज में कितनी सीट बची हैं, फिर उसके हिसाब से अपना एडमिशन के लिए उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स बात करें, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है, उसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी नाम का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ पहले ही डाल चुका हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर देख लेना है, देख पाओ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडमिशन स्टेटस कैसे चेक करना है, और भी गाइस लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर मैं नीचे ऐड किया है, ठीक है। फुल एडमिशन प्रोसेस क्या है, बहुत सारे लोग पूछे थे सर अब आगे का प्रोसेस बताइए, सर आगे का प्रोसेस बताइए, मैंने एडमिशन फी पेमेंट कर दी उसके बाद मुझे क्या करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बस आप चले जाओ हमारी इस वीडियो के बाद चेकआउट करना ना भूलो, इसमें मैंने आपको बताया है आपके आगे का प्रोसेस कि आपको आगे करना क्या है, उसके लिए आप एक बार इस वीडियो को चेक कर लेना। ये वीडियो गाइस मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही डाला है, ठीक है, जिसको बताया आपको आगे का प्रोसेस, अब आपको क्या करना है, पेमेंट कर दिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके आप एक बार इस वीडियो को चेक करना ना भूले। उसके बाद आप बात करें आपके एडमिशन कैसे चेक करना है, आप ये देख सकते हो, फिर बात करें डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराना होगा, कब कराना होगा, कैसे कराना होगा, तो उसके लिए आप बस ये वीडियो चेक कर लेना, 19 में 27 जो वीडियो है ना, आपके सारे जवाब के आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं तो मैंने क्यों वीडियो भी डाला है, देख सकते हो, उसको भी चेक कर सकते हो। और भी अभी आप सभी के लिए मैं क्यों वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, जिसके लिए हमारे अगले वीडियो का वेट करिए। और ये कुछ सिलेबस मैंने पहले से अपलोड कर दिया UG वोकेशनल का, और सिंपल जो आपका ग्रेजुएशन होता है आर्ट साइंस कॉमर्स का, अगर आप देखना चाहते हो, फिर इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो यहाँ से वो प्लेलिस्ट में, ये बहुत सारे यूजफुल वीडियोस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स बात करें आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ आपको यहाँ पर चैनल देखने को मिल जाते हैं, हमारा चैनल है, अगर आपको टेक्निकल वीडियोस पसंद है तो हमारे टेक गीक स्पोर्ट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं हमेशा टेक अपडेट्स देते रहता हूँ, ठीक है। और भी आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू हमेशा देखने को मिलेंगे, और आपको ब्लॉगिंग पसंद है, ठीक है, मोटो ब्लॉगिंग, उससे आप किसी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम ऑन गाइस, आप हमें जैसे एजुकेशन में सब सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा अदर चैनल है, आप हमारे चैनल हमें सपोर्ट करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा ब्लॉग चैनल है, मैं आपको इसमें ब्लॉग देते रहता हूँ, मोटो ब्लॉग, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। और ये हमारा एडिटिंग चैनल है, आप देख पा रहे इसमें वो भी बहुत सारी एडिटिंग, अच्छा अच्छा एडिटिंग करता हूँ, तो उसके आप एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनको एडिटिंग पसंद है वो एडिटिंग के लिए आ जाए। आप क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आइएगा, तो यहाँ पर आपको मैंने अपने चैनल का ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे हमारे ऑनलाइन क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर, जिस पर देख सकते हो मैंने आपको हमेशा अपडेटेड न्यूज़ आपके पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड हमेशा टाइम पर देते रहता हूँ। उसके लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इस बात करें, मैंने टेलीग्राम चैनल में अपने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक छोड़ दिया है, आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक छोड़ दिया है, तो आप चाहो तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी अपना इस टेलीग्राम चैनल के लिंक को शेयर करें और फॉरवर्ड करें। और भी फ्रेंड्स आप चाहो तो आप मुझे यानी अभिनय चौधरी मुझे भी अपने इंस्टाग्राम पर मुझसे डायरेक्ट क्वेरीज पूछ सकते हो, उसके लिए हमें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले। उसके लिए फ्रेंड्स ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स आप जैसे क्लिक करोगे आप आ जाओगे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। एक फ्रेंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है अभिनय चौधरी यूट्यूबर करके, कैसे आप आ जाइए हमारे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप जो भी क्वेरीज आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा आपको अपने क्वेरीज का जवाब जानने के लिए, आपका उसके लिए हमारे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले।
तो माय डियर फ्रेंड, ये था आज का अपडेट। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए, चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के सुन इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।